तो हेलो भाई लोग, जैसे कि आज का ये वीडियो भाई, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का टॉप बनाना चाहते हैं, जैसे कि डीजे सेटअप पे लिए लोड करना चाहते हैं, या भाई प्रोग्राम पे चलाना चाहते हैं, या लाइनरें बनवाना चाहते हैं, और काफ़ी अच्छे कंपनी का जैसे कि स्पीकर हो काफ़ी कम प्राइस में और काफ़ी जैसे कि लंबे समय तक चले, तो हम ये कंपनी का भी स्पीकर यूज कर रहे हैं, जैसे कि 3 साल हो गया और भाई इस स्पीकर में अभी तक हमको एक भी शिकायत देखने को नहीं मिला, ना ही लीड वायर, ना ही पेपर कोन, नहीं भाई जैसा कि इस स्पीकर का क्वाइल अभी तक जला है। जैसे कि काफ़ी हैवी वाट इसका स्पीकर है, 12 इंची में 400 वाट, और इस स्पीकर का प्राइस भाई काफ़ी कम प्राइस में हमको जैसे कि पिंजा आइडियो का 400 वाट स्पीकर 12 इंची में देखने को मिल जाता है। तो फुल डिटेल के साथ ये वीडियो होने वाला है, और ये वीडियो भाई थोड़ा सा भी पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और भाई बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि हम अगला वीडियो डालें आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। और इस स्पीकर के फ्रंट लुक की बात की जाए तो जैसा कि ये स्पीकर हमको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, जैसे कि 2 लेयर के साथ आप देखेंगे भाई वाटरप्रूफ इसमें पेपर कोन जो यूज हुआ है, भाई वाटरप्रूफ पेपर कोन आपको देखने को मिल जाएगा काफ़ी अच्छा। जैसे कि मिड बेस के लिए पिंजा आइडियो का 400 वाट ये स्पीकर हमको लगता है भाई काफ़ी पुराना हो गया, जैसे कि हम काफ़ी दिन से यूज कर रहे हैं, काफ़ी तगड़ा रिस्पांस देता है, जैसे कि मिड और बेस के लिए भाई काफ़ी बेस्ट स्पीकर होता है। जैसे कि भाई प्रोग्राम पे अगर आप लगाना चाहते हैं या डीजे पे लगाना चाहते हैं तो भाई पिंजा आइडियो का 400 वाट ये काफ़ी सक्सेस मॉडल है और काफ़ी भरोसेमंद है भाई, काफ़ी पुराना हो गया और भाई अभी तक एक भी शिकायत नहीं देखने को मिला, ये हमको काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे कि इस स्पीकर में अगर भाई इस स्पीकर को आप टॉप में लगाना चाहते हैं, जो टॉप बनवाया भाई 12 इंची का, वो थोड़ा जैसे कि उसका गहराई जो होता है भाई उसका थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस स्पीकर से बेस भी हमको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। मान के चलिए इस स्पीकर को आप डीजे पे भी यूज कर सकते हैं, या लाइव प्रोग्राम पे, या लाइनर पे, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। और भाई कैबिनेट जो होगा भाई वो आपका 18 mm या 19 mm का प्लाई होना चाहिए, इसके बाद भाई साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं इस स्पीकर के मॉडल नंबर की। जैसे कि इस स्पीकर का हमको मॉडल नंबर देख सकते हैं आप भाई PZ1275B, जैसा कि इस स्पीकर का मॉडल नंबर देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। और टर्मिनल सॉकेट देख सकते हैं, लीड वायर भाई काफ़ी अच्छे क्वालिटी का इसमें यूज हुआ है, और जो इसका मैग्नेट साइज़ देखेंगे भाई इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ जैसा कि मैग्नेट साइज़ हमको देखने को मिल जाता है, और इस स्पीकर का चेसिस हमको प्योर एल्युमिनियम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्टली इस स्पीकर के एम्प्रोक्स प्राइस की, कि ये स्पीकर इस समय हमारे मार्केट में कितने प्राइस रेंज में मिल जाएगा। तो इस स्पीकर का प्राइस हम जो लिए थे भाई अभी के टाइम से, जैसे कि 2 से 3 साल पहले ही इस स्पीकर को हम लिए थे, इस स्पीकर का प्राइस उस समय भाई 2800 रुपये में ये स्पीकर हमको हमारे मार्केट में मिल गया था। इस समय इस स्पीकर का प्राइस भाई जैसे कि 9 से 3, जैसे कि 3000 रुपये में एक स्पीकर आपको मिल जाएगा, जैसा कि पिंजा आइडियो का 12 इंची का 400 वाट स्पीकर मिल जाएगा। और इस स्पीकर के वॉइस कॉइल की बात की जाए तो जैसे कि इस स्पीकर में हमको वॉइस कॉइल भाई 3 इंची का वॉइस कॉइल देखने को मिल जाता है, इससे ये मालूम चलता है कि इस स्पीकर के मिड और बेस जो निकल के आए भाई काफ़ी तगड़ा निकल के आएगा, और जो प्रेशर निकल के आता है भाई काफ़ी अच्छा होता है, जैसे कि बेस के मामले में भाई काफ़ी बेस्ट होता है। जैसे कि 4 टॉप अगर आप लगा रहे हैं भाई कहीं पर, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा भाई 15 इंची का टॉप बज रहा है, ऐसा फील आएगा, जैसे कि इसका 3 इंची का वॉइस कॉइल है, बेस भी काफ़ी अच्छे से निकल के आता है। तो पिंजा आइडिया का 400 वाट ये स्पीकर आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और ये छोटा सा वीडियो कवर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई इस चैनल पर डीजे से रिलेटेड इसी तरीके से हम वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।